बात फरीदाबाद की। फरीदाबाद में डीएलएस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने पहली बार किया नेशनल सेफ्टी वीक का शुभारंभ। ये प्रोग्राम 4 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा, जिसके तहत अवेयरनेस प्रोग्राम स्पीकर मीटिंग से लोगों को जानकारी दी जाएगी, जिससे फैक्ट्रियों और कंपनियों में जान माल का नुकसान कम हो और एक्सीडेंट में कमी आए। मुख्य अतिथि के रूप में फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर यशपाल यादव ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का ये कदम बड़ा ही सराहनीय है। सर, डीएलएफ इंडस्ट्री का सेफ्टी के प्रोग्राम में आप आए हैं, आज लॉन्च हुआ है, स्वास्थ्य और सेफ्टी को लेकर क्या कहेंगे इस बारे में कि प्रशासन की तरफ से कितना इसमें काम हो चुका है और कितना होना बाकी है? इंडस्ट्रीज़ जो भी लोग चलाते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि अपने वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में वो ख्याल रखेंगे, और गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं जो इस बात को लेके ऑडिट भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं चीज़ों को। तो ये एक वॉलेंटियरली प्रोग्राम किया हुआ है डीएलएफ इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। यहाँ उन्होंने वर्कशॉप की है जिसमें बाहर से एक्सपर्ट को बुलाया गया है और अपने मेंबर्स को सिक्योरिटी के बारे में, वर्कर्स की हेल्थ के बारे में एक जागरूकता उन्होंने करने की कोशिश की है। तो एक बड़ा अच्छा स्वागत योग्य कदम है, और अगर हम अपने वर्कर्स का, बाकी लोगों का ख्याल रखेंगे तो इंडस्ट्री के साथ में वो लोग जुड़ेंगे, दिल से काम करेंगे, एक अच्छी शुरुआत है। सर, क्या नाम है आपका? JP मल्होत्रा, प्रेसिडेंट डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। सर, आज आपने एक सेफ्टी नेशनल सेफ्टी वीक का आयोजन किया है, लॉन्च किया है, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, ऐसा है, नेशनल सेफ्टी वीक 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक होता है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, उनसे प्रेरणा लेके मैंने ये पहली बार डीएलएफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के फोरम पर सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन को बुला के, अपने मेंबर्स को बुला के ये आयोजन किया। आइडिया ये है कि सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस की जाए, ताकि एक्सीडेंट्स की कमी हो, जान माल का नुकसान ना हो और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है उस पर असर ना पड़े। इसलिए हमने ऑनरेबल DC सर को बुलाया, सेफ्टी बैजेस दिए हमने, सेफ्टी पोस्टर्स रिलीज़ किया आज हमने, और 3 बड़ी अच्छी टॉक्स सेफ्टी के ऊपर की, वीडियो प्रेजेंटेशन करवाई, ताकि मेंबर्स को एक सीधा असर हो सके और अपनी फैक्ट्री में जाके वो हमारे पोस्टर्स लगाएं, ताकि जो है वर्कर्स को डे टू डे बेसिस पे